कोरोना महामारी के दौरान बेहतरीन सेवाएं देकर कोविड योद्धा के तौर पर हमीरपुर के स्वास्थ्य विभाग में तैनात महिला कर्मियों ने भी अपनी अलग पहचान बनाई है। कोरोना महामारी से बचाव लेकर संक्रमित व्यक्तियों के इलाज तक स्वास्थ्य कर्मी महिलाओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को जागरूक किया, तो एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान में भी जी जान से काम करके सेवाएं दी। 31 वर्षीय आशा वर्कर निर्मला देवी ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान लोगों को जागरूक किया है और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा सैनिटाइजर के इस्तेमाल करने के बारे में घरों में रहकर कोरोना बीमारी से बचाव के लिए भी जागरूक किया है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान सभी का बढ़चढ़कर सहयोग मिला है और किसी ने भी कभी उत्साह कम नहीं होने दिया है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से भी पूरा सहयोग मिला है और कोरोना बचाव का सामान मिलता रहा है। उन्होंने बताया कि घरों में भी परिवार के साथ पूरा एहतियात बरतते रहे हैं। निर्मल देवी ने बताया कि कोरोना मरीजों से संक्रमण से बचने के लिए पूरी तरह से एहतियात रखते रहे हैं। निर्मला देवी ने बताया कि कोरोना संकट के दौरान शुरुआती दौर में 1-2 केस आने पर भी बहुत सहम जाते थे, लेकिन अब कोरोना बीमारी के मामले आना सामान्य हो गया है। उन्होंने बताया कि अब लोग ज्यादा बीमारी के लिए नहीं सोच रहे हैं, लेकिन लोगों को जागरूक रहना चाहिए। निर्मला देवी के परिवार में पति, बेटा ननद और उसका बेटा रहते हैं। सर, सबसे पहले तो हमने कोरोना महामारी के बीच में हमने ऑनलाइन सर्वे किया लोगों के घर घर जा करके, और एसएफ के बारे में भी बताया लोगों को, हैंड वॉशिंग के बारे में भी बताया है। और कोरोना महामारी के बीच में हमने सबसे पहले लोगों को 1 मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए भी बताया गया है और उनके उनको घर में रहने के लिए कहा गया है, ताकि लोग जो अपने घरों में अंदर रहें। और कोरोना महामारी के बीच में हमें जैसे सरकार की तरफ से आदेश दिए गए थे, हमने पूरे वो उनका अनुपालन किया गया और हमारे साथ में हमारी टीम ने भी हमारा साथ दिया हुआ है। और समय मैम, बात की जाए, जैसे आप कोरोना महामारी के दौरान अपनी सेवाएं दे रहे थे, क्या लोगों ने आपका बहिष्कार तो नहीं किया, जो आपने नज़दीक के समाज का बहिष्कार किया? नहीं सर, अभी तक तो नहीं किया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे मैंने अपने फील्ड में जो कि काम किया हुआ है, हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। मैम, क्या आपके पास जो विभाग द्वारा पूरी सुविधाएं दी गई थी? सर, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने हमें ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह उपलब्ध करवाए गए थे। जैसे हम फील्ड में जाते थे सर्वे करने के लिए, तो हमें समय समय पर उपलब्ध भी करवाए हैं। मैम, क्या आपको इस दौरान जो अपने जो बच्चे हैं, प्रियजन हैं, अपने घर वाले, इनसे दूर भी रहना पड़ा? हाँ जी, दूर रहते थे हम। जैसे हम सर हम बाहर से आते थे सर्वे करके, सबसे पहले तो हम घरों के बाहर बैठ जाते थे मैं, फिर हम नहाने के लिए चले जाना अंदर, और जूते भी वगैरह सब कुछ पूरी सावधानी का हम प्रयोग करते थे घर में। हाँ जी, हाँ जी। मैम, क्या कोरोना वायरस के दौरान संक्रमण, जैसे जो लोग जिनसे आप मिलते, जो कोरोना वायरस से संक्रमित थे, तो उस समय आपकी क्या फीलिंग होती थी, आपको डर नहीं लगता था? सर, थोड़ा सा नर्वस तो होते थे जाते समय, पर फिर भी चलो ड्यूटी है तो करना तो पड़ती है, जाते थे हम तो। मैडम, जैसे पहले कोरोना बड़े पीक पे था, हाँ जी, हाँ जी, लॉकडाउन भी था, हाँ, अनलॉक 3 चला हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, तो इस जो पहले का पीरियड और अब के पीरियड में आप क्या मानते हैं, कोरोना पहले ज़्यादा घातक था या अब ज़्यादा है? सर, घातक तो है, अभी भी है घातक, पर पहले तो सर जैसे 1-2 केस आ जाते थे तो लोग बड़े डरते थे, अब थोड़ा सा नर्वस नहीं होते हैं ज़्यादा, लोग बोलते हैं ऐसे ही है, ऐसे बोलते रहते हैं, कई बार तो बोलते, पर कई बार लोग मानते भी नहीं है। जैसे पहले होम क्वारंटाइन, जैसे हम पहले उनको बताते हैं कि क्वारंटाइन किया गया है 14 दिन के लिए किया गया है, अब तो होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, अब लोग जा। हेल्थ वर्कर विक्रमा शुक्ला ने बताया कि कोरोना बीमारी के चलते ड्यूटी करते समय कोई समस्या पेश नहीं आई और जो भी काम सीएमओ के द्वारा दिया गया उसे पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि एक्टिव केस फाइंडिंग सर्वे से लेकर कोरोना मरीजों के साथ काम किया है और ऐसे करते समय पूरे एहतियात करते हुए ड्यूटी का निर्वहन किया है। उन्होंने बताया कि संक्रमण से डर तो लगता रहा है, लेकिन फिर भी ड्यूटी निभाने में कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने बताया कि पंचायत में 8 मरीज कोरोना से संभावित हुए थे, जिसमें से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले थे और इन मरीजों से भी दूरी बनाकर ही ड्यूटी की है। हमारी लगी थी समस्या तो कोई नहीं आई ना ही हमें, और जो भी हमें काम दिया गया सीएमओ हमीरपुर, बीएमओ टोनी देवी से, उनके उद्देश्य के अनुसार हमने सारा जो काम किया उनके। किस तरह का काम सौंपा गया था? हमें सर्वे के लिए बोला गया,
ACF सर्वे किया गया, गांव गांव में जाके और घर घर में जाके सबके नाम लिखे सारा ये, और कोरोना इसके बारे में हमने जानकारी दी, उनके लक्षण बताए और उपाय उनको ये भी बताया, जानकारी दी कि कैसे इनसे बचाव है हमारा। तो जैसे हाथ धोना, मास्क लगा के रखना और 1 मीटर की दूरी बनाए रखना, जब भी घर से बाहर जाते हैं तो आके घर में जूते जो बाहर खोलने और हाथ धोने हैं जरूर तभी, और जो मास्क है उसको भी बाहर ही रखना, किसी जैसे ये लगा दिया लिफाफा वगैरह लगा दिया कोई उसमें डाल देना। तो इस दौरान क्या आपको जरा भी थोड़ा सा भी मन नहीं कतराया, जैसे कोरोना सर डर तो लगता था, पर हमें जो भी हमारी ड्यूटी थी उसके लिए हम कि हमारा काम है ये करना, हमने कोई ऐसा डर नहीं लिया। दूसरा ये होता है हम देखते हैं भी अगर लोग हैं तो इनको थोड़ा ये कोरोना के बारे में जानकारी देनी, क्योंकि बचे हैं वो। मैडम कोई कोरोना पॉजिटिव कोई ऐसा मामला आपकी पंचायत में, आपको भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे कोरोना पॉजिटिव मरीज से आपको मिले हो या उससे बातचीत की हो, कोई ऐसा परिणाम ऐसा समझा? हाँ जी, मेरी पंचायत गाँव शासन में आए थे 8 लोग दिल्ली से, उनमें से 4 जो है वो पॉजिटिव निकले और 4 जो थे वो नेगेटिव निकले। तो उनसे भी मैं बात करती रही, पर ये भी हमने दूरी बनाए रखी अपने, जैसे ग्लव्स हमने पहने हुए थे, मास्क लगाया हुआ था, सैनिटाइजर खुद कर रहे थे हम अपने आप, और उनसे 1 मीटर की दूरी बनाए रखी। मैडम घर से क्या फीडबैक थी, क्योंकि आप दिन भर कोरोना पॉजिटिव जब साथ रहते हैं, तो गांव में घूमते थे, तो कभी घर से क्या आपके क्या मतलब, जैसे बच्चे हैं और परिवार है, तो उनकी क्या फीडबैक रहती थी आपकी, होती कि आप दिल्ली फीडबैक रहते और कोरोना पॉजिटिव बीमारी चली थी? नहीं, घर में से ऐसे तो नहीं बोलते थे नहीं किसी, पर बच्चे बोलते थे कि मम्मी दूर रहना, उनसे बचना, फिर हम दूर ही रहते थे, मैं बोलती थी मैंने नहीं बच्चे दूर रहते हैं, पर ये अभी हमने लोगों को तो जानकारी, जब हम इस पेशे में हैं तो ये तो काम करना ही है, हमने लोगों को देखना, उनको इसके बारे में बताना कैसे बचना, और लोगों को जो कोरोना के पॉजिटिव आते थे ना और जो नेगेटिव थे बेचारे, उनको बड़ा डर लगता था, डरते थे, फिर उनको बताते थे हम भी नहीं डरना नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाते हैं सारे, थोड़ा हम ये भी बोलते हैं भी क्या क्या डाइट भी लेनी है, ठीक लो, अपनी इम्यूनिटी ठीक रखो और खुश रहो। अब तो ये है ना, पहले तो डर था, लोगों को डरते भी थे और लग रहा था कि बड़ा ही है, अब ये है ना, अब लोग ठीक भी हो रहे हैं, जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं। आशा वर्कर पवन देवी ने बताया कि कोरोना बीमारी के दौरान शुरू शुरू में दिक्कतें पेश आई हैं, लेकिन बाद में पूरी जागरूकता होने पर लोगों के बीच में जाकर भी बढ़िया से काम किया है। उन्होंने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए डटे रहें। उन्होंने बताया कि कोरोना बीमारी से डर तो हमेशा मन में रहता था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके मास्क लगाकर बीमारी से बचाव किया है। उन्होंने बताया कि समाज में लोगों ने सहयोग दिया है, क्योंकि लोग काम से बहुत ही खुश रहे हैं। उन्होंने बताया कि घर में पूरे परिवार ने हमेशा सहयोग दिया है, जिस कारण बीमारी से जूझ रहे लोगों को ठीक होने के लिए भी सहयोग मिला है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि लोग बीमारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ मास्क हमेशा चेहरे पर लगा कर रखें। हाँ सर, कोरोना के दौरान शुरू शुरू में तो थोड़ी बहुत दिक्कत आई हमें, पर ऐसा है कि बाद में जैसे जैसे समझ आई कि चलो इसमें सोशल डिस्टेंस वगैरह बना के रखना है, मास्क वगैरह लगा के रखना है, ऐसे सामाजिक दूरी, ऐसे भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाना है, और काम के लिए ही, ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलना है, ये थोड़ा बहुत लोगों को समझाने पड़ा, और हमें भी थोड़ा डर था इन बातों का, तो समझ आई सारी बातें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आई सर। हाँ सर, डर तो लगता था, पर हम अपनी सेफ्टी से जाते थे, जैसे मास्क वगैरह लगा के, ग्लव्स वगैरह डाल के, और ऐसे दूर से ही बात करनी उनसे, हाँ जी ऐसे, तो फिर नहीं लगा कोई भी डर। सर वैसे नहीं, लोगों ने कुछ नहीं बोला, सारे लोग हमारे काम से खुश थे, ऐसा भी बोलते थे, बहिष्कार तो किसी ने नहीं किया हमारा, बोलते थे कि मैम आप अपनी भी सेफ्टी रखो, हम सब ठीक हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई काम करने में सर। सर वैसे तो दूर नहीं, हम जैसे अपने सेफ्टी से जाते थे, घर सेफ्टी से आते थे, आके अपना सारा मतलब अपनी सेफ्टी से सारे काम कर लेते थे, और ऐसा कुछ नहीं था, घर वाले भी कुछ नहीं बोलते थे, पढ़े लिखे हैं सभी, समझते थे कि ऐसा कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, अगर हम अपनी सेफ्टी रखेंगे तो दिक्कत जो है वो सारी दूर हो जाएगी। मैडम क्या कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान क्या आपने क्या महसूस किया कि क्या होना चाहिए?
इसका सर, इसका इलाज तो है नहीं कोई, पर ऐसा है कि जैसे हम सोशल डिस्टेंस वगैरह बना के रखेंगे, मास्क वगैरह लगा के रखेंगे, भीड़ भाड़ के इलाकों में कम जाएंगे, उसमें सर ऐसा ही है कि वो जितना उनको ज़रूरत है बाहर उतने ही बाहर जाएं, ज़रूरी काम के लिए सभी लोग ना जाएं, कोई घर से एक ही जाए, बाकी सभी घर पे रहें। और जैसे कि मास्क वगैरह लगा के रखें, सैनिटाइज जो है हाथों को बार बार करते रहें, हाथ जो हैं वो हर काम करने के बाद बार बार धोने हैं, ऐसा है सर। तो इससे बीमारी से बचा जा सकता है।